हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 21 मार्च का शिफ्ट 3 का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 kWh इक्वल टू कितना होता है? तो ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये हम पीछे में, अब ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है जूल का, तो उससे रिलेटेड हम पीछे का जो वीडियो डाले हैं उसमें इस क्वेश्चन को पहले भी बता चुके थे और आज रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। कपिल धारा वाटरफॉल कहाँ पर है? ये नर्मदा रिवर का है, ठीक है, और ये अमरकंटक में एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देखिए, ये वाटरफॉल से हर क्वेश्चन आ रहा है। पिछले में जोग वाटरफॉल आया, अभी कपिल धारा आया, तो आप लोग एक बार वाटरफॉल पढ़ लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल, फिर वही न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसमें बस डाटा चेंज कर दिया गया है। प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स दे रखा है 1000 और एरिया देखे दे रखा है 5, तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो प्रेशर का हो गया ये 200 आ गया। उसी तरह आप प्रेशर बराबर एच म्यू जी, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये डेंसिटी होता है वाटर का, ये हाइट होता है, ये ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ होता है। तो प्रेशर बराबर ई भी होता है, प्रेशर का फॉर्मूला ई भी होता है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 question ऑन सुखुई सेटेलाइट। तो सुखुई सेटेलाइट से जो भी आया है, देखिए ये सुखुई सेटेलाइट जो है रसिया और इंडिया, इसको मिलकर रसिया से इंडिया लिया है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी काम किए हैं इसमें। तो इसमें इसमें एक्चुअल में पूछा क्या गया है क्वेश्चन, ये पता नहीं है, मगर सुखुई में एक सेटेलाइट लगाया जिससे कि वो कोई भी नीचे का जो फोटो इमेज है उसको सेटेलाइट से ये कैप्चर कर सकता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका इज एक्सपोर्टर ऑफ, श्रीलंका किस चीज़ का एक्सपोर्टर है? मैक्सिमम एक्सपोर्ट वो करता है टी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेडलाइन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो देखिए 2 अक्टूबर 2014 को भारत अभियान चालू हुआ था और 2 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2019 तक जो महात्मा गांधी का 150 एनिवर्सरी मनेगा उस समय तक इसका डेडलाइन है भारत अभियान का। देखिए 3 सूची है, तो एक दे दिया था संघई सूची, राज्य सूची और तीसरा सूची पूछा था, तो समवर्ती सूची जो है इसका आंसर हो जाएगा, 3rd सूची होता है समवर्ती सूची। ये SSC में पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सूरदास बुक। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया होगा सूरदास का, इस तरह जो जो वो उनका 3 हम मेन जो है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों इम्पोर्टेंट है इनका जो रचना किए थे। और भी बुक होगा मगर उसमें ऑप्शन में क्या है उसके अनुसार आपको आंसर मारना होगा, तो आप ये तीनों एटलीस्ट देख लीजिए। इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ये 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था, फिर दोबारा क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। देखिए इसमें 3 साल के लिए होता है और ये हर 6 महीना पर इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो मैक्सिमम साल के लिए इमरजेंसी 3 साल के लिए लग सकता है। अमेरिका डिक्लेयर द इजराइल कैपिटल, ये 2018 का ही है, 2018 का करेंट अफेयर है। जेरूसलेम को अमेरिका डिक्लेयर कर दिया था इजराइल का कैपिटल। क्वेश्चन देखिए 1 question ऑन द वाटर ऑन द अर्थ एंड ग्राउंड वाटर कंसिडर, ये पूरा तो नहीं है मगर ग्राउंड वाटर और पर क्वेश्चन एक आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री डज नॉट हैव द बाउंड्री विथ कैप्सियन सी, तो देखिए ये कैप्सियन सी है और ऑप्शन नहीं पक्का, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, तो ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा एक बार। रसिया इसमें कौन कौन सा टच करता है, टर्की टच कर रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार इसको मारेंगे, तो कैप्सियन सी के बारे में एक बार आप यहाँ से इमेज से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम्नोस्पर्म सीड विच पार्ट ऑफ द प्लांट, देखिए जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड। देखिए ये सारे जितने भी फल हैं ये सारे नेकेड सीड के हैं, तो ये देख लीजिए एक बार। किंगडम इसका प्लांटी होता है, सब किंगडम होता है एम्ब्रोफाइटा और अनरैंक्ड होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ओव्यूल का होता है, अनफर्टिलाइज्ड होता है, अनफर्टिलाइज स्टेट में होता है जिसमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, और अगर आपको 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेजिए ताकि दूसरे लोग को भी मदद मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।